चलिए आपको सीधा ले चलते हैं सीकर, जहां इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सांगलिया धुनी जैसे गुरुस्थान, इस गुरुस्थान को भी मेरा श्रद्धापूर्वक प्रणाम। गौभक्त वीर तेजाजी और भक्त शिरोमणि कर्माबाई का भी पुण्य स्मरण करता हूं। बदलते हुए मौसम में भी शेखावटी का जोश चरम पर है। आपके इस उत्साह, आपकी इन भावनाओं का मैं अभिनंदन करता हूं। अब जब मैं आपकी भावनाओं का अभिनंदन करता हूं, तो यहां के मुख्यमंत्री और यहां की पूरी कांग्रेस पार्टी आज इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेगी कि मोदी ने सीकर में अभिनंदन का नाम दिया। अभिनंदन का नाम देकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भंग किया। फिर उनका एक चेला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी एक हफ्ते में निर्णय करो। फिर इलेक्शन कमीशन कहेगा उन्होंने तो जनता को अभिनंदन कहा था, कोई केस बनता नहीं है। तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मोदी को क्लीन चिट क्यों दिया। यही खेल चल रहा है ये। और इसलिए मैं आज फिर एक बार सीकर वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आया हूं करीब 3:15 बजे। 12 बजे आता तो बता देता कि दाल बाटी चूरमा शेखावटी के सुरमा, ये परंपरा यहां की रही है। साथियों, एक तरफ ये महान धरती हम सभी राष्ट्र रक्षा के लिए सबको जोड़ने की बात करते हैं, वही कांग्रेस राष्ट्र रक्षा करने वालों का हर मौके अपमान करती है। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरी सर आंखों पर, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। आपका प्यार मुझे मंजूर है दोस्तों। अगर आप इजाजत दें तो बोलना शुरू करो। अब इतना प्यार करोगे, इतना प्यार करोगे तो मैं ये शेखावटी में रह जाऊंगा। याद करिए, कांग्रेस के एक नेता ने सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहते हैं। कांग्रेस के और नेता देश की वायुसेना के अध्यक्ष को झूठा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे सपूत जान हथेली पर रखकर आतंकियों को
घर में घुसकर मारते हैं तो कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं कि आतंकियों की लाशें कहां है। क्या इनका दफन करने के लिए कांग्रेस की तरफ से चादर भेजने का इरादा है क्या? ये क्या तरीका है? हमारे वीर साथियों के शौर्य पर कांग्रेस को विश्वास ही नहीं है। बालाकोट में भारत ने जो पराक्रम किया वो पाकिस्तान दुनिया में जा जा करके रो रहा है, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। लेकिन कांग्रेस को ये भी मानने का इरादा नहीं है। आप वहां पर वो जो कैमरा वाले हैं सज्जन, वो जो कैमरा वाले हैं, कैमरा नीचे के नीचे उतर जाइए, आप कैमरा वहां बंद कर दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, एयर स्ट्राइक के हर सबूत के लिए कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध करके बैठ गई है। और कांग्रेस का हाल ऐसा है कि इन दिनों उनको दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता है। उन्होंने ऐसे चश्मे पहने हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को हमारे वीर सपूतों का पराक्रम दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस इस बर्ताव पर देश पहले आप तय कीजिए भाई, मैं अपनी बात करूं या अपने नारे चालू रखेंगे, आप तय कीजिए। आपका प्यार, आपका जुस्सा मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप तय करें मैं बोलूं या ना बोलूं। देखिए पैंडाल बहुत छोटा पड़ गया है, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए पैंडाल बना दिया है। मौसम इतना बढ़िया बना दिया है कि वहां बाहर तक भी जो लोग हैं ये सब सुनने आए हैं आपका प्यार मेरे सर आंखों पर दोस्तों। लेकिन आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इस वर्ताव पर देश पहले चार चरणों में जो मतदान हुआ, कांग्रेस पार्टी और महामिलावटी लोग पहले चार चरण में देश की जनता ने उसे ठीक से सबक सिखा दिया है। यहां राजस्थान में भी 29 अप्रैल को जब वोट पड़े तो लोगों ने कांग्रेस को
पानी पी पी करके सजा दी है। लेकिन साथियों, मैं आपको सावधान कर रहा हूं, चुनाव के पहले चार चरणों में चारों खाने चित्त होने के नामदारों ने अपना रिमोट कंट्रोल ऑन किया और उसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने एक बयान दिया कि हमारे समय भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। ये बयान सामने आते ही कांग्रेस की तमाम नेता बल्लियां उछलने लगे। बस यही तो चाहिए था। तो आप सुन रहे थे पीएम मोदी को सीकर में, जहां पर भाजपा उम्मीदवार सुमेधा नंदन सरस्वती के समर्थन में जनता से वोट की अपील की और साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है। और साथ ही जिस तरह से पीएम मोदी हमेशा से ही अपने संबोधन की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में करते हैं और शेखावाटी में भी मौसम के मिजाज पर जनता को खुश करते हुए उन्होंने कहा कि बदलते हुए मौसम में भी शेखावाटी का जोश चरम पर है। और साथ ही अभिनंदन के सवाल पर भी कहा कि मैं शेखावाटी की जनता का अभिनंदन करता हूं और शायद इस सब पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत करे।